ओके यस हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन फाइनली यार सिर्फ कुछ चुनिंदा दिन बचे एग्जाम को अभी तो एक साल बचा हुआ था अब तो भाई एक हफ्ता बचा हुआ है बोर्ड एग्जाम को एंड अब क्या करना है अब तो बस अपने को प्रैक्टिस पे पूरा का पूरा फोकस उठा के लगा देना है जिस तरीके का आपका बोर्ड पेपर बन के आने वाला है वैसे पेपर्स एटलीस्ट चार से पांच पेपर अपने को सॉल्व करने सबसे पहला पेपर अपना इंग्लिश का होने वाला है खतरनाक तरीके से आज अपनी ये सीरीज शुरू हो रही है पहला पेपर आज अपन सॉल्व करने वाले है गौर से सुन लो टोटल पांच पेपर सॉल्व करवाऊंगी बैक टू बैक बैक टू बैक यानी आज तेरह तारीख है तो पहला पेपर चौदह फेबरी को शाम छः बजे सेकेंड पेपर पंद्रह को शाम छः बजे तीसरा सोलह को चौथा एंड सेवनटींथ फेबरी को पांचवा पेपर यानी सेवनटीन फेबवरी तक अपन पांच पेपर इंग्लिश का सॉल्व कर चुके होंगे बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है पिछले साल के इतने सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मेरे सिर्फ सैंपल पेपर की सीरीज देखे थे एंड महा मैराथन अटेंड किए थे और उसके बाद उनका बस बस एक हफ्ता इंग्लिश पे ध्यान दे के एट्टी फाइव प्लस मार्क्स आराम से इजीली आ गया था ओके okay? सो so, तैयार रहना है पहली बात तो अपने आप को भरोसा दिलाना है कि भाई ये जंग तो बस आ चुकी है अब अपने को फोड़ना है क्यों ये कोट हमेशा याद रखना आप लोग क्या द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन द बैटल वही चीज हम करने वाले मेहनत और प्रैक्टिस एकदम दमदार करेगी ये बचे कुछ दिनों में ठीक है एकदम दमदार जितना हो सकता है ताकि एग्जाम अपना कम एफर्ट में आसानी से निकल जाए ओके एक बात आपको बताऊं क्या हर साल ना ऐसी स्टोरीज स्टूडेंट की सुनने को मिलती है जहां पे मैं बोलती हूँ यार ये तो बच्चा पूरे साल पढ़ता था इसके कम मार्क्स कैसे आ गए ये तो एंड एंड में आया था ये इससे ज्यादा मार्क्स लेके चले गया यस yes. यही है इंपॉर्टेंस लास्ट के डेज में फोकस और डेडिकेशन के साथ पढ़ने का अगर आपने पूरे साल जी जान लगा के पढ़ाई की हो लेकिन एंड मोमेंट में अगर आपने हल्के में ले लिए या छोड़ दिए ना तो पूरे साल की मेहनत कहीं ना कहीं आपकी लो हो जाएगी डगमगा जाएगी और वो बच्चा जिसने पूरा साल अच्छे से नहीं पढ़ा लेकिन एंड में पूरे जोश के साथ आगे बढ़ेगा पूरा जुट जाएगा तो वो आगे निकल ये चीज याद रखना तो एंड मोमेंट में प्लीज हर बच्चे अपना ध्यान पूरा का पूरा इसमें लगाना आज की वीडियो में हम आपका इंग्लिश का सैंपल पेपर शुरू करने वाले तो भाई जोश कैसे अपने सारे के सारे बच्चों का जल्दी बताओ इतने तो सारे बच्चे अपने को लाइफ देख रहे हैं यानी पता चल रहा है भाई एग्जाम सीजन आ चुका है बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गया फाइनली हम्म एक साल चार महीना तीन महीना एक महीना और एक हफ्ता बचा है सिर्फ डोंट वरी यार इंग्लिश के लिए आपकी शफक मैम आपके साथ है पूरा सैंपल पेपर सॉल्व करने वाले हैं महा मैराथन में आपका करा के देने वाली हूँ पूरे रिविजन करवा के देने वाली हूँ एग्जाम के दो दिन पहले आके क्विज होने वाला है सब कुछ होगा डोंट वरी इंग्लिश का तो टेंशन छोड़ दो आप लोग ओके जस्ट मेरा इस डिस्क्रिप्शन uh, में आपको एक वाट्सअप चैनल दिख रहा होगा उस पर जोड़ जाओ क्योंकि वहां पे मैं आपको अपडेट्स देते रहूंगी ठीक है So, let us begin. Finally, आपके सामने मैंने सैंपल पेपर लाई हूँ गौर से सुनो बोर्ड एग्जाम ट्वेंटी फर्स्ट सुबह ग्यारह बजे होने वाला है राइट वो अपना sixth होना क्युं? पेपर, तो पेपर, sixth पेपर होना चाहिए क्यों? क्योंकि आज अपन पहला पेपर सॉल्व कर रहे हैं कल दूसरा करेंगे, फिर तीसरा चौथा पांचवा तो आपका बोर्ड का पेपर सिक्स पेपर होना चाहिए एंड आप जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे बोर्ड एग्जाम का तो आपको ऐसा दिल से निकलना चाहिए कि भाई ये इतना चिंदी पेपर है ऐसे तो पांच पेपर में घर में सॉल्व करके आया हूं ऐसे पांच पेपर सॉल्व करके आया हूं ये मेरी, मेरे लिए हलवा है तो यही है यही है बेनिफिट प्रैक्टिस करने का यही है बेनिफिट चीजों को प्रैक्टिस करके जाने का राइट सो आर यू ऑलरेडी चलो जी मेरे साथ आपको क्या करना है पूरा पेपर सॉल्व करना है बीच बीच में मैं आपको हर एक चीज बताने वाली हूँ कि आपको कौन सा क्वेश्चन कैसे लिखना है कैसे अटेम्प्ट करना है कितने मार्क्स का क्वेश्चन के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखनी है तो पूरा पेपर सॉल्व करते करते बीच बीच में बहुत सारी टिप्पणी ट्रिक्स स्ट्रैटेजीज आपको मिलते रहने वाली है तो बने रहना एंड कॉमेंट सेक्शन ओपन है आप लोग के लिए आंसर देने के लिए ठीक है तो आंसर देना आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर आता है ना तो बड़ा फट कॉमेंट में लगा देना है ठीक है चलो शुरू करते हैं कोई बात नहीं बहुत सारे बच्चे बोले मैम डर लग रहा है डर लग रहा है ये आज डर लग रहा है धीरे धीरे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको आसान लगेगा और आप बोल मैम यार कब बोर्ड एग्जाम हुआ है इंतजार कर रहा हूं <laughs> चलिए जी मैं तो जा रही हूं शुरू करने के लिए हाँ और एक और चीज़ एक और चीज ये सारे जो क्वेश्चन पेपर है बहुत सारे बच्चे बोल गए मैम हमको दे दो ना क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल मेरा जो ऐप है एकेडमी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके उसको डाउनलोड कर लो उधर पे मैं सारे सैंपल पेपर डाल के रखूंगी तो आप क्या किया करो ना मेरे सॉल्व करवाने से पहले आप खुद उसको सॉल्व करके मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे भेज दो पीडीएफ बना के और फिर जब मैं शाम में छह बजे लाइव आऊंगी ना तो आप रीचेक करो कि हाँ मैंने जो सॉल्व किया वही सेम आंसर है कि नहीं है तो उससे आपकी और तगड़ी वाली प्रैक्टिस होगी ठीक है तो चलो भाई मेरे को लगता है आज के लिए इतना काफी अपना ज्ञान अभी अपने को सीधा काम की बात पे आना चाहिए कम ऑन वी आर रेडी बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू करते हुए आज का पहला सैंपल पेपर हमारे स्क्रीन के सामने अब गौर से सुनो जब भी आपके सामने इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आएगा कुछ चीजें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए क्या जैसे कि आपको हर न्यू क्वेश्चन न्यू पेज से स्टार्ट करना है आपको क्वेश्चन पेपर में जो भी डायग्राम दिया गया है टेबल दिया गया है वेब डायग्राम है वो सेम अपने आंसर शीट में बना के फिल करना है वो सारे डायग्राम आप पेन से बनाओगे सेक्शन को प्रॉपर सीक्वेंस में लिखोगे ऐसा आगे पीछे करके ना लिखो राइट right. कौन सी आंसर आपको पैराग्राफ में लिखने हैं कौन से आंसर को पॉइंट वाइज लिखना है ये सब पता होना चाहिए यार पहले से वरना फिर एग्जाम में तो गड़बड़ करके आ जाओगे चलो तो सबसे पहले अपने सामने क्वेश्चन पेपर आएगा जिसकी शुरुआत होने वाली है प्रोज सेक्शन से जो कि सबसे पहला पैसेज होगा अपना सीन पैसेज सीन मतलब भाई चैप्टर में दिया गया अपनी कोई स्टोरी तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले ना पैराग्राफ रीड करेंगे स्टार्टिंग की दो-तीन लाइन और जानने की कोशिश करिएगा कौन सा चैप्टर आया है चलो मेरे साथ-साथ आप लोग बताओ जल्दी कौन सा चैप्टर ये कम ऑन मीनवाइल कमेंट सेक्शन में बताओ ये अपना कौन सा चैप्टर का पैसेज है मीनवाइल आई सॉ अ मैन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस विथ अ स्टिक इन हिज हैंड एज आई अप्रोच ही अपीयरड जल्दी बताओ विधि का सबसे फास्ट आंसर आया है बिल्कुल चैप्टर नंबर सिक्स का ए वाला पार्ट लॉस्ट इन द जंगल बाय किरण पुरंदरे ये वो वाला चैप्टर आ गया है चलो भाई इतना क्लियर हो गया ना आपको दिमाग में आ गया कि भाई चैप्टर नंबर सिक्स का पैसेज आया है फिर अपन पूरा नहीं पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन रीड करेंगे कि भाई क्वेश्चन कैसे आए तो अपना ए वन ए टू एंड ए थ्री ये जो भी क्वेश्चन होगा ना गौर से सुनो ए वन ए टू एंड ए थ्री ये आपको पैसेज में से मिल जाएगा ठीक है और ए फोर जो होगा ये पर्सनल रिस्पॉन्स है ये आपको पैसेज से नहीं मिलेगा और ना ही आपको पैसेज से लिखना है आपको अपने ओन वर्ड में लिखना है ए फोर पर्सनल रिस्पॉन्स यानी आपको अपनी राय शो करनी है अपना ओपिनियन शो करना है और फिर बाकी ए फाइव तो ग्रामर होने वाला है ठीक है तो इतना याद रखना है पैसेज से आपको कौन से क्वेश्चन मिलेंगे ए वन ए टू एंड ए थ्री ही मिलेगा ठीक है अब जो बच्चों ने तो भाई चैप्टर घर से पढ़ के गए तो उनको तो पैसेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं उनका टाइम बच जाएगा चलो देखते क्या क्वेश्चन है कंप्लीट द मेरे साथ साथ आंसर दो फटाफट कंप्लीट द फॉलोइंग यानी भाई सिंपल सा चिंदी क्वेश्चन आ गया है कैसे करोगे फिल इन द ब्लैंक्स है पहला क्वेश्चन है राजू हैड कम टू द जंगल डॉट 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 राजू जंगल में आया था क्यों वाय जल्दी बताओ कमेंट मैं देख रही हूँ आप लोग के मेरे को आप मतलब ये अपने को थोड़ा एक्टिव सेशन रखना है आप लोग भी आंसर दोगे हम साथ में मिलके सॉल्व करेंगे ठीक है जस्ट अट जस्ट गिव मी अ सेकेंड बिल्कुल टू कलेक्ट स्पेशली लॉग जो आपके आ, बुक में में पैसेज लिखा गया है राजू जंगल में आया था टू कलेक्ट लॉग लॉग क्या होता है हाँ, वुड भी लिख सकते हो कोई इशू नहीं है जो आ, पेड़ का नीचे का हिस्सा होता है उसको कलेक्ट करने के लिए चलो आगे बढ़ते हैं हाँ, और एक और चीज आप का जो भी आंसर होगा पूरे स्टेटमेंट में लिखोगे मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी लिखोगे और जो आपका आंसर है वो भी लिखोगे क्योंकि आपके इंस्ट्रक्शन में क्लियर कट लिखा होता है जो बच्चे लोग ने अगर आधा स्टेटमेंट लिखे है वन वर्ड में आंसर लिखे है ना तो उनको मिलेगा गरम गरम अंडा ठीक है तो याद रखना फुल स्टेटमेंट में अपने को आंसर लिखना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दी सी मार्क् द फॉरेस्ट बाउंड्री With the help of FDC ने जो फॉरेस्ट बाउंड्री है वो किसकी मदद से से की थी? Don't worry, एक काम करते ढूंढते जो बच्चे बोल भाई हमने तो तो पढ़े नहीं हम भरोसे तो बैठे थे तो देखो किधर है इसका आंसर यहाँ पे आओ एफ डी सी यानी फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मार्क द बाउंड्री ऑफ द फॉरेस्ट कंपार्टमेंट विथ सीमेंट पिलर एंड इधर दिख आपको मैं थोड़ा जूम करती हूँ रुक जाओ हाँ और एक और चीज याद रखना वाले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है तो आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है ओके डोंट वरी आराम से सॉल्व करने का देखो सीमेंट पिलर्स एंड स्टोन टेक इसका आंसर होने अरे वॉइस इशू एक मिनट हेलो 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 अभी सब सही जल्दी बताओ तो सेकंड वाले का अपना आंसर क्या है सीमेंट पिलर एंड स्टोन स्टेक ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ और एक और चीज मैं जो भी सैंपल पेपर लाई हूँ ना वो इम्पोर्टेंट लाई हूँ क्यों मेरे को जो भी लगा क्योंकि ना चैप्टर नंबर सिक्स के आने की संभावना मेरे को ज्यादा लग रही है चैप्टर फोर और चैप्टर फाइव क्योंकि बाकी सारे चैप्टर आ चुके हैं ऑलरेडी वो रिपीट होने चांसेस नहीं है तो जो नहीं आया है उसमें से ऑफकोर्स उस आएगा तो चैप्टर सिक्स चैप्टर फाइव एंड चैप्टर फोर इसमें से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है आपके एग्जाम में तो इस साल ये इसमें से आ सकता है डेट इज वाई हम वो सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो भाई समझो मैं जो सैंपल पेपर लाई हूँ इंपॉर्टेंट वाले लाई हूँ ओके हेलो 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 अरे यार या टाइम पे रुक जाओ हेलो 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 जस्ट मिनट yes is the voice clear now hello everyone please let me know मैं चेक कर लेती हूँ। सही है हां ऐबा बस बता दो चलो फाइनली यार ये वॉइस ना टेक्निकल इश्यूज ओके ग्रेट फाइनली आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे साथ साथ ध्यान देके थर्ड क्वेश्चन वन ऑफ द टू बैग्स द नेरेटर हैड वन कंटेन डैश एंड अदर कंटेन टिफिन जो नरेटर थे अपने किरण पुरंदर उनके पास दो बैग थे एक बैग के अंदर टिफिन था और दूसरे बैग के अंदर क्या था जल्दी बताओ कौन कौन पढ़ के रखा है वो तो अब भी बता देगा बता दूं बिना पैसेज पढ़े आप लोग भी बताओ कैमरा अरे वाह कौन है ये हर्ष ने एकदम फटाक से आंसर दिया है बिल्कुल याद रखना किरण पुरंदर के पास दो बैग थे एक के अंदर कैमरा था एक के अंदर टीपिन था सिंपल सा उमबरजारा वाज अ रेफ्यूजी फॉर हुम उमबरजारा क्या है भाई ये जंगल है फॉरेस्ट का नाम है ये रेफ्यूजी था किसके लिए मतलब सेवियर था भाई किसके लिए था बताओ वैसे अपने को मिल जाएगा आंसर कौन रहता था उमबर ज़ारा में हम रीड करेंगे अपन पैसेज डोंट वरी आराम से मिल जाएगा अह एज आई अप्रोच राजू विद वी ग्रीटेड देखो यहाँ पे लॉग था राजू ऑसम समय सोलिटरी विजिट वी स्टॉप अंडर कोसम ट्री वी took ब्रेक नाउ वी आर राइज विद आंसर तो पता है बट पैसेज में अपन देखते एक बार क्या लिखा हुआ हम्म लेपर्ड, यस जंगली जानवर स्पेशली लेपर्ड्स का अः uh, सो so, जो भी जंगली जानवर होते हैं, लेपर्ड्स टाइगर लायन बेयर ये सब का रेफ्यूजी है कौन उम्बर जारा फॉरेस्ट तो आप देख रहे हो कि अगर हम घर से ही चीजें समझ के जा रहे हैं ना तो अपने को पैसेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो, तो मतलब टाइम बच जाता है तो घर से पढ़ लो भाई सिंपल सिंपल इजी इजी चैप्टर है ज्यादा टफ नहीं है चलो भाई अपना भी ए टू हाँ एंड डोंट वरी मैं पेपर प्रेजेंटेशन पे भी एक वीडियो लेके आने वाली हूँ कि कैसे एग्जामिनर आपके आंसर चेक करते हैं कैसे आपको पूरा पेपर लिखना है प्रॉपर तरीके से टाइम मैनेजमेंट सब कुछ आएगा पहले अपन थोड़ा सैंपल पेपर भी कर लेते हैं है ना ए टू देखो राइट टू स्टेटमेंट फ्रॉम द एक्स कहीं पे भी एक्सट्रैक्ट लिखा रहा तो समझ जाना ये ऊपर दिए गए पैसेज की बात हो रही है राइट टू स्टेटमेंट फ्रॉम द पैसेज दैट दैट अस द राइटर वाज लॉस्ट ऊपर दिए गए पैसेज में से दो वाक्य दो सेंटेंस अपने को ढूंढ के निकालने जो ये दर्शा रहे है, है कि राइटर घूम गए थे राइटर खो गए थे तो चलो भाई जाते हैं अपने पैसेज की तरफ क्योंकि आंसर तो वही मिलने वाला है कोई भी दो स्टेटमेंट चूज करो इसमें से जो ये बताएगा कि राइटर घूम गए वो सेंटेंस को पढ़ने से ऐसा लगेगा कि भाई ऐसा लग रहा है राइटर खो गए चलो एकदम सिंपल सा है कौन बताएगा आ, वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बढ़ा दो एंड यस प्लीज लाइक द सेशन यार इंग्लिश का आपका सैंपल पेपर अपन सॉल्व कर रहे हैं आज से शुरू हो चुका है हुँ. क्स्ट मोमेंट आई फाउंड ट्रेल बैक नाउस्ट्रेलिश गुड है ये साफ साफ बता रहे की राइटर हो गए थे कंप्लीटली लॉस्ट इन दिस जंगल डेट टू एट वेरी ड्रेटफुल टाइम या ये वाला सेंटेंस भी आप लिख सकते हो कोई इशू नहीं है जो यहाँ आप पे आपको दिख रहा है डस्ट की ट्रेल हैीन सेंटेंस है ये तीनों में से कोई भी आप दो लिखोगे यू विल गेट फुल मार्क्स ओके तो इतना चंदी क्वेश्चन है बस ना इंपॉर्टेंट ये है कि आप अच्छे से समझो क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझोगे तो लिख भी लोगे आंसर ढूंढ के चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट द फॉलोइंग गिविंग रीजन आफ्टर मीटिंग राजू मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ रुक जाओ और सारे क्वेश्चन दो दो मार्क्स के हो गया तो ऐसा बहुत ज्यादा अपने को बड़ा बड़ा नहीं लिखना फ्टर मीटिंग राजू द राइटर एंड राजू बोथ फेल्टिलैक्स किरण राजू जब एक दूसरे से मिले तो उन दोनों को एक दूसरे को देख के बड़ा रिलैक्स वॉट वॉज द रीजन यस देखो बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे बहुत सारे बच्चे बस टाइम पास कर रहे हैं कमेंट में देख लो फिर बाद में बड़ा पछताओगे एग्जाम के एक घंटे पहले रोगे काश उस वक्त में ध्यान दे दिया होता अभी भी टाइम है देखो इसका आंसर अपने को ऊपर मिलेगा क्योंकि राजू की कहानी ऊपर थी आराम से आराम से पहला पेपर है ना आराम से करेंगे। दूसरे पेपर जब कल पेपर सॉल्व करे तो अपनी स्पीड बढ़ेगी तीसरे में और बढ़ेगी चौथे में और पांचवे में और और छठे पेपर में तो धूम मचा के आओगे आप लोग इक्कीस तारीख को ग्यारह बजे देखो वी ग्रीटेड ईच अदर ही वॉज राजू ही कम टू ओके राजू वॉज अमेर सोलिट्री हुए? भाई अभी वो के पास दो आंखे किरणपुर अंदर की और दो आंखे राजू की और दो हाथ किरणपुर अंदर दो हाथ मतलब कोई भी जानवर अगर अटैक किया तो भाई संभालने के लिए चार हाथ है सो तो, तो ये इसका आंसर है कैसे रिलैक्स हुए ठीक है ये दिस इज द रीजन हाँ और ये भी लिख सकते हो मतलब आप लोग पूरा स्टेटमेंट लिखना चाहते हो पूरा यहां से कि राजू एंड किरणपुर अंदर अटॉप अंडर अ कुसुम ट्री टू टेक अ ब्रेक दे बोट फेल्ड बिट रिलैक्स बिकॉज दे वेर नाउ फोर आईज एंड फोर हैंड विथ अ स्टिक ये पूरा स्टेटमेंट लिखना चाहते हो यू कैन ओके डोंट वरी चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द टाइम बिकॉज़ वो वक्त बहुत डरावना था क्यों वो वक्त डरावना क्यों था ऐसा क्या हो रहा था उधर पे यार आ गई थी इसलिए डरावना हो गया था क्या हो गया था बताओ जल्दी वो वक्त बड़ा डरावना था क्या हो गया था ऐसे तो ड्रेडफुल वर्ड ढूने गए पैराग्राफ में से कहा लिखा है और उसी के आगे पीछे अपने को उसका आंसर कहीं मिल जाएगा जी कहां हो हमारी नजर में आ जाओ हम्म यहां पे देखो ड्रेडफुल दिखा अब इसी के कहीं आगे पीछे होगा देखो द सन वॉज मेल्टिंग डाउन लाइक अ फ्लिटिंग रनर यस वो डरावना वक्त क्यों था क्योंकि जंगल में है हम और सूरज ढल रहा है मतलब अंधेरा होने वाला है और जंगल में भाई अकेले अंधेरी रात में आपको कोई छोड़ दे तो सोचो कितना डरावना मंजर होगा सोग्ड इन माई ओन स्वेट ऊपर से पसीने से पूरा का पूरा किरण पुरंदर भीग चुके हैं। और उनको दिल से चिल्लाने का मन कर रहा है और ऊपर से कोई दूसरा इंसान है भी नहीं उनको सुनने के लिए तो ये सारे रीजन आप पूरा कंबाइन करके लिख सकते हो डोंट वरी बट क्योंकि वो एक दो मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप ऐसा वन स्टेटमेंट भी लिखोगे या टू भी लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे ठीक है चलो समझ में आ रहा ना आपको चैप्टर भी समझ में आ रहा होगा अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट है मैंने क्या बताइए फोर वाला क्वेश्चन क्यों क्योंकि या तो आपको पैसेज से मिलने वाला नहीं है ये तो पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन आप ऐसा सोचना आपका फ्रेंड आपसे ये पूछ रहा है कि भाई एक तेरा एक्सपीरियंस बताना जब तू कहीं पे खो गया था तो ये आप जो आंसर दोगे कहीं से पढ़ के थोड़ी दोगे ये अपने दिल से अपने एक्सपीरियंस के बेस पे दोगे आप बोल गए यार वो मंजर बड़ा खतरनाक था जब मैं गुजर खोया था तो वैसा तो अपन इसका आंसर लिखते चलो आ जाओ मैं आपको सिखाती हूँ कि पर्सनल रिस्पॉन्स का आंसर आप कैसे लिखोगे कम ऑन एवरी मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखो क्वेश्चन समझ गए ना आप लोग कि अपने को बताना है एक्सपीरियंस की आप कोई एक जगह खो गए थे तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था अब हर बच्चे का अलग अलग एक्सपीरियंस होगा ना सबका सेम थोड़ी होगा कोई जंगल में खोया होगा तो कोई रिवर में खो गया होगा कोई माउंटेन में खो गया होगा तो कोई अलग जगह खो गया तो सब अपना अपना एक्सपीरियंस देंगे तो यहाँ पे मार्क्स सबको मिलेंगे बस सही तरीके से लिखना कैसे पहले कुछ ऐसे स्टेटमेंट लिखना जो दर्शाएगा कि आप एक पर्सनल रिस्पॉन्स लिख रहे हो मैं आपको दो से तीन अलग अलग स्टेटमेंट दे रही हूँ इसको आप लोग यूज कर सकते हो इसमें से कोई भी एक स्टेटमेंट यूज करना देखो सबसे कॉमन कौन सा है अकॉर्डिंग टू मी राइट मेरे हिसाब से मतलब मैं अपने कुछ भी ओपिनियन बताऊंगी तो ये वर्ड इस्तेमाल करें ना मेरे हिसाब से तो देखो भाई ऐसा होना चाहिए ये बहुत कॉमन है तो इसको अवॉइड करना क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यही यूज करते हैं आई फर्मली बिलीव ये दूसरा है एज फार एज माई नॉलेज ये थोड़ा टफ है बट अगर याद कर लोगे तो अच्छा है एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न इन माई पॉइंट ऑफ व्यू तो ये सब मैं क्या बता रही हूं आप लोगों? को मैं ये सब ये क्या है फ्रेजेज है तो आप अपने पर्सनल के आंसर के बीच-बीच में या शुरुआत में डाल सकते हो ये सब फ्रेजेस ये शो करते हैं कि आप कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ आंसर नहीं लिख रहे हो आप अपने दिल से बात लिख रहे हो और पर्सनल रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि पर्सनल बात बताओ दिल से कहीं भी बात बताओ ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं और अपन लिखते हैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग भी कमेंट में लिखो जल्दी बताओ मैम ट्रैक करते वक्त हो गया था अरे अरे चलो लिखो आप लोग भी कमेंट में लिखो मैं भी पढ़ूंगी आप लोग के आंसर आंसर वंस <coughs> I got lost in a big city. तो so, सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि हम किधर घूम गए थे कोई बोलेगा जंगल में घूम गया था कोई बोलेगा शहर में कोई बोलेगा कहीं कोई कहीं तो so, सबसे पहले तो ये बताओगे कोई एक बार मैं एक बड़े शहर में खो गया था द टॉल बिल्डिंग्स वो ऊंची ऊंची इमारतें जो भी आपके दिमाग में आए आप लिख सकते हो बस इंग्लिश में क्या चेक किया जाएगा कि आपने स्पेलिंग सही लिखे हो आपका ग्रामर सही है स्टेटमेंट सही है कटम कुटी तो ज्यादा नहीं किए हो ना फॉर्मेट सही है बस ये देखेंगे ठीक है द टॉल बिल्डिंग्स एंड कंफ्यूजिंग स्ट्रीट्स शहरों में तो आपको पता है ना कितने गलियां होती है तो उसमें हम खो जाते बचपन में आप भी शायद कभी घूमे हो गे? मेड मी लॉस माई वे ठीक है सब लोग कमेंट में अपना अपने आंसर दो क्या पैराग्लाइडिंग के वक्त जंगल में घूम गया था अच्छा अच्छा मैं बोली पैराग्लाइडिंग के वक्त कैसे ओके 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 क्या बात है यार आप लोग तो पैरा ग्लाइडिंग एडवेंचरस लोग निकले विथ नो फोन सिग्नल भाई फोन का सिग्नल भी नहीं आ रहा था कोई भी आपके दिमाग में जो कुछ भी आ रहा होगा ना लिखते जाना लिखते जाना विथ नो फोन सिग्नल मैं अपने आप को खोया हुआ महसूस कर रहा था आई फेल्ट लॉस्ट इन द्राउड एंड couldn't फाइंड फेमिलियर प्लेसेस और कोई भी जगह मेरे को फेमिलियर uh, मतलब जानी पहचानी नहीं लग रही थी ठीक है एंड कुड नॉट फैमिलियर प्लेसेस अब इसमें आप और भी डाल सकते हो क्योंकि एक्सपीरियंस पूछा है मतलब अभी आप खो गए आपको पता चला कि भाई आप घूम हो गए, तो आपका क्या एक्सपीरियंस था आप कोर्स लिखोगे कि भाई मैं डर गया था मैं एंशियस हो गया था घबरा गया था आई वॉज फ्राइटर्न राइट

बोल सकते हो कि मैंने लोकल्स को आसपास के जो थे आई हैड आस लोकल्स फॉर हेल्प एंड यूज मैप एंड फाइनली आई गॉट माई प्लेस ऐसा ठीक है और फिर अगर आपको ऐसा लगता है यार चलो मैं थोड़ा वो भी बता देता हूँ कि मेरे को क्या लेसन मिला था तो वो भी आप लिख सकते हो कि इट वॉज अ लेसन इन फिगरिंग थिंग्स आउट एंड कूल इन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस तो ये मतलब ऑप्शनल है जरूरी नहीं है वैसे तो दो मार्क्स के ही क्वेश्चन है तो आपको यहीं पे मिल जाएंगे वन एंड हाफ अब आप बोलेंगे दो में से दो कब मिलेगा दो में से दो आप अगर एक बोनस चीज करते हो तो मिलेगा वो बोनस चीज क्या है पर्सनल रिस्पॉन्स का एंड आप एक प्यारे से प्रोअप से करना ठीक है तो अपना जो आंसर का थीम है वो क्या है घूम गए लॉस्ट नहा से निकल गए तो एक प्यारा सा प्रोवब है Every cloud has a silver lining. हर बादल का एक लाइन होता है है ना मतलब हर बादल ऐसा अनलिमिटेड बड़ा नहीं होता है तो वैसे ही एक इंसान घूम जाता है बट वो जिंदगी भर के लिए नहीं घूम सकता कभी ना कभी वो बाहर निकल ही जाता है अपना रास्ता पा ही लेता है तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो कि एज दे रियली से इट इज राइटली सेट that Every cloud, as it is, rightly said that ये ऐसा फ्रेज इस्तेमाल करने का मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूं कि शुरुआत ऐसी करो बीच में कंटेंट लिखो एंड देन एंडिंग ऐसी करो तो आपको ना एक फॉर्मेट मिलता है ना तो आप बराबर वही फॉर्मेट में कैसे भी क्वेश्चन आ जाए वही फॉर्मेट का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे आंसर लिख सकते हो फ्रेम कर सकते हो ठीक है तो अपना क्या मैच हो रहा है इट इज राइटली सेट डेट Every cloud has a silver lining. Wow! और ऐसा तरीके से आप आंसर लिखोगे तो क्या होगा आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। समझ गया तो अभी आप आगे के क्वेश्चन को ऐसी करना अभी अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि होने वाला है अपना ग्रामर का क्वेश्चन लैंग्वेज स्टडी चलो देखती हूँ कौन है अपने यहाँ पे ग्रामर के किंग्स एंड क्विंग्स क्या बात है यार वन थाउजेंड लाइक्स आपने कर दिए ग्रेट 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 भाई तो जोश आ गया मेरे अंदर ये देख के ग्रेट चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो होगा वो ग्रामर बेस्ड होगा गौर से पहले देखना क्या क्वेश्चन है राजू वाज अमेज़्ड एट माय सोलिटरी विजिट टू अमरज़ारा रिराइट बिगनिंग माय सोलिटरी मतलब ये सेंटेंस का बिना मीनिंग चेंज किए आपको आंसर की शुरुआत कैसे करनी है माय सोलिटरी विजिट चलो बताओ ग्रामर के किंग्स एंड क्वींस कम

सही है सही है सही क्या बात है यार अपने बच्चे तो फुल उम्दा जोश में रहते बिल्कुल तो ये जो सवाल है ये अपना पैसिव फॉर्म में इसको अपने को एक्टिव यानी ये जो कौन सा ग्रामर का क्वेश्चन है पता है एक्टिव सेंटेंस एंड पैसिव सॉरी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस तो क्या होगा सब जेक्ट आ जाएगा पहले माई सॉलिटरी विजिट टू उम्बर जारा वॉज हट जाएगा वर्ब की ऑफ कोर्स सेकंड फॉर्म रहेगी तो वर्ब अमेज की फर्स्ट फॉर्म अमेज रहती है सेकंड फॉर्म ईडी रहती है और थर्ड फॉर्म भी ईडी रहती है तो ये अमेज ही रहेगा राजू तो ये इसका आंसर रहेगा माई सॉलिट्री विजिट टू उम्बर जारा अमेज राजू कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्रामर का मैराथन चाहते हैं तो एक बार मुझे बताओ क्योंकि मैंने पिछले साल ग्रामर का मैराथन पढ़ाई थी उसमें आज भी इस साल के बच्चों ने बहुत ज्यादा उसको देखे तो अगर आप चाहते हो इस साल के लिए तो बता सकते हो अगर आप बोलोगे नहीं मैम पिछले साल से हो रहा है टेंशन की बात नहीं है तो भी बता सकते हो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना उमर जाराज दॉर टाइगर्स एंड स्लॉथ बियर रि राइट यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो तो चिंदी निकला यार चिंदी चिंदी क्वेश्चन आ रहे बताओ इसको ना एकदम विंडो के बाहर रख दो एसी के ऊपर अच्छे से रख ओपन करके कर पक्का हाँ 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 चले क्योंकि इसमें इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा आराम से के हो? हाँ चलेगा चलेगा हाँ हाँ और विंडो हाँ चलेगा चलेगा विंडो को बंद पूरा नहीं सी ना हाँ और और, और, और और बस ओके 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 यस वेलकम टू द्लास एवरी वन थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था बट कोई बात नहीं सो तो, के okay, हल्की फुल्की डिफिकल्टी तो हर जगह आती है अपने पार करके आगे निकलना होता है राइट कम ऑन सो अपन क्या देख रहे थे कि अपने को नॉट ओनली बट ऑल्सो का क्वेश्चन आया है इसका मतलब क्या होता है ये भी नहीं बल्कि वो भी तो उमर जारा जो फॉरेस्ट है वो टाइगर और लैपट के लिए ही नहीं बल्कि के लिए भी क्या है फॉर नॉट ओनली टाइगर लैपर्ड बट ऑल सो स्लॉथ बिय इसका आंसर रहेगा चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल अपने स्क्रीन के सामने चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर स्पूक्ट का मीनिंग क्या है ऑप्शन भी दिया यह अच्छी बात है तो स्पूग्ड एक शब्द है जो कि पैसेज में ऊपर दिया गया है है ना इसका मतलब क्या है फ्राइटंड यानी घबरा जाना हैप्पी यानी खुश होना एंग्री मतलब गुस्सा करना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पूग्ड जल्दी बताओ लाइव एंड सेशन चल रहा है ना सेशन इज ऑन गोइंग एवरीवन कम ऑन फोकस बिल्कुल इसका आंसर है चल रहा है चल रहा है भाई डरा दी आप लोग ने <laughs> बंद हो गया बीच सेशन हाँ, फ्राइटेंड स्पूर्ट. मतलब क्या घबरा जाना तो राइटर जब घूम हुए थे तो घबरा गए थे खुश थोड़ी होए चलो स्टेक्ड स्टेक का मतलब क्या है फुल हो जाना पाइल्ड मतलब एक के ऊपर एक रखना हैवी यानी भारी तो स्टेक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज के ऊपर एक रखना, ठीक है तो इसका आंसर क्या है पाइल्ड ऑन वन ऑन टॉप ऑफ अदर ठीक है चलो अभी अपन आगे बढ़ते हो देखते हैं नेक्स्ट क्या है मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द वर्ड सॉलिटरी एक शब्द है सॉलिटरी लोग ने दिए बोले कि इस शब्द का इस्तेमाल करके कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस बना दो तो पहली बात सॉलिटरी का मतलब क्या होता है सॉलिटरी मतलब अकेला लोनली जैसे कि आप मान लो रात में अकेले चल रहे हो और आपके साथ कोई नहीं है सो इट मीनस यू आर हैविंग सॉलिटरी वॉक आप जंगल में अकेले गए सो वॉट इट इज अकेले गए थे आप तो चलो एक सेंटेंस कोई भी रैंडम सा बना दो कोई भी जो भी आपके दिमाग में है. बस वो तो एक मीनिंगफुल होना चाहिए देखियो कितना दिमाग चलता है आप लोग का एकदम सिंधी है. मीनिंग मैंने बता दी देखो यार एग्जाम में आपको कोई मीनिंग नहीं बताएगा तो जितना हो सकता है काम करो अपनी आज क्या हो गया यार बहुत इश्यू हो रहे आई वॉज इन सॉलिटरी होम आई एम हैविंग सॉलिट ओके सेशन चालू है यार एक बार फिर से लिंक पे क्लिक करो राजू नहीं 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 ये पैसेज से आंसर नहीं लिखना यार ये पैसेज से गलत हो जाएगा ग्रामर ग्रामेटिकल क्वेश्चन है ना तो आपको अपने ओन से लिखना ऐसा कुछ लिख दो कि भाई मैरी बहुत ज्यादा थक गई थी तो वो सॉलिटरी वॉक कर रही थी टू रिलैक्स हर सेल्फ लाइक मैं लिखती हूं आफ्टर हैविंग हेक्टिक शेड्यूल मैरी Head, solitary सॉलिटरी वॉक इन park टू रिलैक्स हर माइंड ऐसा कोई भी रैंडम सेंटेंस बना दो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बी वन फिर से ग्रामर आपके सामने आ चुका है सिंपल्स है यार ये तो बस बोल रहा है एक सेंटेंस है इसको आप लोग बता दो कि इसका क्या टेंस है विंडो uh, ना पूरी बन करो ना बस बता। बताओ ये सेंटेंस का अपना कौन सा टेंस है व्हाट इज द टेंस ऑफ दिस सेंटेंस ऑन Yes. तो टेंस जो है वो अपना प्रेजेंट परफेक्ट नहीं भाई कोई भी एंगल से प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है. है, है इसके अंदर और वर्ब अपनी थर्ड फॉर्म में है तो ये प्रेजेंट सॉरी सिंपल किसने बोला था तो ये प्रेजेंट सिंपल कोई भी एंगल से नहीं है ये है प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ठीक है एंड इसके अंदर वर्ब्स क्या है तो वर्ब्स दो टाइप के होते हैं एक होता है हेल्पिंग वर्ब्स जो कि इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड डू डस डिड ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं ठीक है तो हेल्पिंग वर्ब अपना हैव है और मेन वर्ब अपना डेमोन्स्ट्रेटेड है बस इतना ही है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आप सबका प्यारा मॉडल मॉडल ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी स्टार्ट सेग्रीगेशन सिस्टम इन योर बिल्डिंग स्कूल और नेबरहुड यूजिंग मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग कंपलजन तो आंसर तो मेरे को आप लोग से चाहिए और एकदम तो फास्ट चाहिए कंपलजन बता दो जल्दी से come on, come on. Word, एक लो ने है कि इस करके कोई भी बिनिकुल, बिनिकुल भी। बिल्कुल लगेगा इतना तो अपने को पता लेकिन तो फुल सेंटेंस में आंसर देने का है ना वरना भी गरम-गरम अंडे का क्या करेगा तुम तो मस्ट इसका आंसर है बट आप इसको कहाँ फिट करोगे अपने सेंटेंस में स्टार्ट अ वेस्ट सेग्रीगेशन सिस्टम बोल रहा है कि भाई अपने को ना वेस्ट सेग्रीगेट मतलब होता है ना गीला कचरा अलग सूखा कचरा अलग रखना चाहिए तो यहाँ पे आएगा यू किसको है सामने वाले को यौर. तो इसका आंसर आएगा यू मस्ट स्टार्ट, बिल्कुल यू मस्ट और फिर आगे जैसा दिया हुआ है पूरा वैसे देखो ऐसा अलग से यू डालने के लिए आता नहीं पहला क्वेश्चन है जिसमें अलग से डालने बोल रहा है

एक ही है वो एक ही है मे ठीक है एम ए वाई मे तो यहाँ पे क्या आएगा मे ए वाई पॉसिबिलिटी बोला ना तो आंख करके मे लगा देना तो इसका आंसर रहेगा आई मे विजिट माई नेटिव प्लेस दिस हॉलीडे और मे को रहेगा अंडरलाइन अब आते हैं स्पॉट एरर अब थोड़ा फास्ट फास्ट करते हैं वरना ये सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा राम माई ग्रैंड सन इस्ट विथ हार्डवर्क इसके अंदर क्या एरर है स्पॉट दी एरर मतलब एक सेंटेंस में छोटा सी गड़बड़ है आपको सही करनी है। यस yes, ये हार्ड वर्क्स नहीं है सिर्फ हार्ड वर्क होगा ठीक है हमको मेहनत क्योंकि ये बंदा है मेहनत कर रहा है ठीक है तो ये हार्ड वर्क रहे इतनी सी गड़बड़ती सोचो तो ये ना एक मार्क्स का क्वेश्चन होता है स्पॉट एरर तो ना ज्यादा गड़बड़ नहीं होती है बस एक छोटा सेंटेंस में मिस्टेक होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है ए टू ये ज्यादा कॉम्प्लिकेट लगता है कभी नहीं देखे हो ऐसा पैसेज आपने पहले कभी नहीं देखे हो तो इसमें अपन क्या करेंगे पहले क्वेश्चन देखेंगे जाके कि भाई क्वेश्चन क्या पूछा है तो पहला क्वेश्चन है ही गोज फॉर अ मॉर्निंग एट वन पी A. A. Because, वो एक बजे मॉर्निंग वॉक को जाता है क्यों उसके कुछ रीजन है कंप्लीट दर्ली राइजर एंड लेट जल्दी ये दो लोग की अलग अलग कैटेगरी होती है तो उसके बेस के ऊपर आया है ना तो सिर्फ तीन क्वेश्चन ही होते हैं यार ए वन ए टू एंड ए थ्री जो पैसेज से मिलेगा ए फोर पर्सनल रिस्पॉन्स होगा ए फाइव ग्रामर होगा ठीक है चलो आ जाओ जस्ट किफ मी वीडियो चल रही है, चल रही है। वीडियो कट नहीं हुई है यार ये वीडियो चालू है <coughs> या तो फिर फिर से स्टार्ट हुआ रहेगा तो जल्दी बताओ हम्म अब पैसेज आया है। ये कोई न्यू पैसेज है तो हम क्या करेंगे पहले क्वेश्चंस देखेंगे ठीक है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए फिर जाके हम क्या करेंगे पैसेज रीड करना स्टार्ट करेंगे हम ऐसा क्यों करेंगे इससे अपना टाइम बचेगा पैसेज जब रीड करेंगे तो अपने को ना कहीं पे भी कुछ ऐसा लगा किया अरे भाई इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछा है तो अपन उसको अंडरलाइन कर देगा ठीक है तो चलो आ जाओ uh, some people can just, और देखो आपको ना ये अन पैसेज का आ, प, पैसेज रीड करना ही पड़ेगा समझना ही पड़ेगा क्यों क्योंकि यही पैसेज को तो आपको आगे समरी बना के लिखना है तीन मार्क्स के लिए तो इतमान से पांच मिनट सात मिनट आठ मिनट आप बैठ के रीड करना और समझना कि अनसीम पैसेज की कहानी क्या है ठीक है तो चलो अपन बैठ के समझते सम पीपल कैन जस्ट अर्ली कुछ लोग जो है वो जल्दी उठ ही नहीं सकते दे मंच ब्रेकफास्ट ऑन द वे टू वर्क वो लोग जब काम के लिए जाते हैं तब रास्ते में अपना ब्रेकफास्ट करते हैं दे हैव एक्सक्यूजेस रेडी वेन दे रीच ऑफिस लेट वो लोग के पास uh, बहाने रेडी होते हैं जब वो काम पे जाते हैं दे मिस ऑन रेगुलर बेसिस वो लोग की ट्रेनें छूट जाया करती है

दबाते रह जाती है सौ शी फेल टेरिबल टेंडेंसी बट देर वॉज नथिंग है बट वो कुछ नहीं कर पा रही है डिजायर टू स्लीप अ वाइल्ड मोर ओनली वैन डिवाइन इंटरवेंशन आंसर हर प्रेयर रिसेंटली शी एबल टून अर्ली बर्ड क्लब बट उसने अपने आप कैसे भी करके अर्ली बर्ड यानी कि अर्ली बर्ड एंड नाइट आवल

जो सुबह जल्दी उठते हैं लोग बहुत कुछ कर ले वॉकिंग कर लिए चाय पी लिए न्यूज पढ़ पैराग्राफ अपन ने एक बार रीडिंग कर लिए गया कि हाँ भाई मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ाऊ क्वेश्चन था ही गोस फॉर अ मॉर्निंग वॉक एट वन पी एम बिकॉज क्यों एक बजे मॉर्निंग वॉक को क्यों जाता था उसका पति ही अराइव फ्रॉम वर्क पास मिड नाइट ही स्टे इन बेड फॉर लॉन्गर है स्पेशल प्लान इसका आंसर है ए क्योंकि वो मीडिया पर्सन था तो वो रात में देर से घर आता था तो लेट सोता था और लेट उठता था तो इसका आंसर है ही अराइव लेट फ्रॉम ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कंप्लीट द वेब अब एक चीज याद रखना जैसा वेब आपके क्वेश्चन पेपर में आता है एज इट इज आपको ही बनाना होता है हा? इसमें कोई आप लोग गड़बड़ मत करना चलो इफेक्ट ऑफ राइजिंग लेट लेट उठने के प्रभाव आप लोग यार ये तो हमारी बात हो रही इधर पे सही में सही में। तो दो पर्सनालिटी होती है मैं खुद नाइट आवल हूँ आप लोग भी बहुत सारे इधर पे हो, हो गए जो रात में काम करते हो रात में पढ़ाई करते हो सबका अलग एनवायरमेंट होता है ना किसके यहाँ पे सुबह दोपहर इतनी आवाज आती है कि भाई उनसे नहीं हो सकता काम तो वही है कि प्रभाव क्या होते हैं फेक्ट ऑफ राइजिंग लेट यहां पे अपने को मिलेगा आवल hmm, है फीलिंग लेजी ले चलो ढूंढो बताओ ये लिख सकते हैं कि वही यहाँ पे जो था ना जो लेट उठते हैं ऑफ कोर्स वो लोग सनराइज कभी नहीं देख पाते है मिल्क uh, मैन से नहीं मिल पाते मिल्क मैन से मिलके क्या ही करेंगे <laughs> और मेट द मिल्क पैन और 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 हाँ दो रीजन ना यहाँ पे जो टेक्स बुक मतलब पैसेज में दिया गया है वैसे भी अपने को वही लिखना है है ना ए वन ए टू एंड ए थ्री पैसेज से लिखने का यहाँ चलो अब ए थ्री क्या है अर्ली राइजर्स क्लियरली हैव एज इन लाइफ बिकॉज ये तो भाई अपने को पता है किधर पे यार एंडिंग एंडिंग में आया था ना ये पैसेज पढ़ रहे थे देखो एंडिंग एंडिंग में आया था एज ये देखो इधर रहा अर्ली राइजर क्लियरली हैव एज इन लाइफ मिला अब इसका क्या क्या रीजन है चार रीजन लिखना है यहां पे पहला रीजन इंजॉय द वॉक डेली न्यूज दूर के रिश्तेदारों को कॉल करने का समय मिल जाता है और क्या है हाँ एक दो तीन चार पांच पांच रीजन हो गए अब इसमें से कितने लिखने के थे अपने को चार लिखने के वो तो पांच में से कोई भी चार लिखोगे आपको मार्क्स मिल जाएगा ठीक है तो पैसेज से मिल गया अब ए फोर क्वेश्चन आपके सामने आ गए अब ए फोर तो आपको पता है पैसेज से नहीं लिखना है चलो आओ फिर दिमाग की बुद्धि चलाते हुए कॉमेंट सेक्शन में आंसर देना है स्टेट टू थिंग्स डेट यू कैन डू टू ज्वाइन अर्ली बर्ड क्लब क्या कर सकते कि अपन सुबह जल्दी उठ मतलब अर्ली बर्ड बन सके नाइट मेरे दिए गए फॉर्मेट के मुताबिक एक आंसर बना के बताओ मैं एक मिनट जरा कमेंट सेक्शन पर ध्यान देती हूँ क्या चल क्या रहा है. सो कौन है अपने प्रणव क्राउन प्रिंसेस फैक्टो क्या नाम है भाई जीएसके पठान फुरखान आफिया खान राफ्स, तबला बॉय यू कैन आदर्श तिवारी पीयूष पाटिल क्या बात यस yes, जल्दी सो <laughs> बिल्कुल रीड बुक आ रहे वाह वाह वा. ना बुक पढ़ो अब भी नींद आ जाएगी <laughs> सेट अ मॉर्निंग रूटीन ओके बट आपको एक प्रॉपर आंसर देना है ना ऐसा वन वर्ड में दो एक प्रॉपर फॉर्मेट में दो जैसे मैंने आपको सिखाई थी एक फ्रेज लिखो लाइक इन माई पॉइंट ऑफ व्यू या आई फर्मली बिलीव या एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न वी कैन ज्वाइन दर्ली बर्ड क्लब्स बाय फॉलोइंग टू थिंग्स या सम थिंग्स फिर दो पॉइंट बताओ एंड देन एक प्रोअप दे दो एक कितना प्यारा प्रोअप है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज राइट तो वाला प्रोअप लगा सकते हो आप समझा क्या एकदम चिंदी है चलो आगे बढ़ते हैं ए फाइव लैंग्वेज स्टडी शी फेल टेरिबल अबाउट दिस टेंडेंसी बट देर वॉज नथिंग शी अबाउट इट इसका इस्तेमाल अपने को करना है ऑयल दो लगा यारिंदी यार ये तो क्या करने पता है आपको कभी भी ये वाला क्वेश्चन आया ना रिराइट द सेंटेंस यूजिंग ऑल दो या टी एच ओ यू जी एच दो तो आप क्या करना ये वर्ड को अपने सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा देना और आपके सेंटेंस में देखना बट लगा होगा बट उसको हटा के कॉमा लगा देना बस ये आपका आंसर है मैं फिर से बोलूं गौर से सुनो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आया ना रिराइट द सेंटेंस यूजिंग ऑल्दो तो ये ऑल्दो वर्ड को अपने सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाना आपके सेंटेंस में बट लिखा होगा वो बट को हटा के उसकी जगह पे कॉमा लगा देना बस बन गया आंसर तो आपका आंसर क्या बनेगा ऑल्दो शी फेल्ट टेरिबल अबाउट दिस टेंडेंसी कॉमा देयर वाज नथिंग शी कुड डू अबाउट इट जिन भी है ना यस yes, बहुत इजी है और इस साल भी वो एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन आया था ठीक है चलो आगे बढ़ते hmm, हम्म बिल्कुल 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 सही जवाब सनराइज और मेट द मिल्क मैन रिराइट यूजिंग नाइदर नॉर बताओ क्या कर क्या हो गया आप मान लो सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया सेम क्या कर क्या हो गया कॉमेंट में बताओ जरा बट की जगह कॉमा यस तो नेवर जो है ना इसको हटा के अपन नाइदर लिख देंगे या नीदर और और को हटा के नॉर लिख देंगे दे हैव नीदर सीन अ सनराइज नॉर मेट द मिल्क मैन ओके चलो आगे बढ़ते हैं मैच द फॉलोइंग विद द मीनिंग ओके सो जस्टिफिकेशन का मीनिंग क्या है ऑडिटिस तो आपको मैचअप करना है देखो जिसकी वोकैबलरी अच्छी है बेसिक इंग्लिश एंड इंग्लिश में पकड़ है ना तो लो फटाफट कर लेगे अदरवाइज आपको थोड़ी एग्जाम में यहाँ वहां नज़रें घुमानी पड़ेगी अपने आगे पीछे वाले लोगों से थोड़ा पूछताछ करनी पड़ेगी आंसर पता लगाने के लिए देखो जस्टिफिकेशन का मतलब होता है सफाई मतलब झाड़ू पोछोली नहीं सफाई मतलब मैं मेरे को सफाई नहीं चाहिए आई डोंट वॉन्ट योर जस्टिफिकेशन सफाई की जरूरत नहीं तो क्लैरिफिकेशन क्लैरिफिकेशन है ना अरे मेरे को सफाई तो देने दो मेरे को क्लैरिफाई तो करने दो इसी को बोलते हैं जस्टिफिकेशन तो ये इसका आंसर है डी ऑडिटीज मैन आउट यानी कुछ अजीब सी चीज अजीब अजीब यानी स्ट्रेंज Slumber, यानी नींद स्लीप और श्रग ऑफ अरे भाई इसको हटाओ इसको श्रग ऑफ करो अरे भाई इसको करो करो है ना अलाम को करो क्या तो आप लोग क्या करते स्नूज बाद में बजाओ तो अच्छा डिसमिस ही कर दो तो जब उठना ही नहीं है तो तो ये अपने आंसर्स रहेगे क्या है फर्स्ट का है डी सेकंड का है सी थर्ड का है बी और फोर्थ का है ए ठीक है इसको लिखोगे कैसे लिखोगे कैसे बताती हूँ बाबा लिख के वरना मैचअप करके आ जाओगे देखो क्या करना ऐसा वन लिखना आगे लिखना जस्टिफिकेशन और जस्टिफिकेशन का आंसर क्या है आगे डैश लगाना क्लैरिफिकेशन है ना तो उसके आगे लिखना क्लैरिफिकेशन सेकंड का आंसर क्या है ऑडिटिस तो आप लिखना सेकंड ऑडिटिस फिर डैश लगाना ऑडिटिस का क्या आंसर है स्ट्रेंज थिंग ठीक है थर्ड का क्या है स्लम्बर स्लम्बर so का क्या है स्लीप ऐसा ये आपको आंसर लिखने का फॉर्मेट रहेगा डिसमिस अब चलो फाइनली वो वाला क्वेश्चन आया जहां पे अपने को समरी लिखनी है गौर से सुनो समरी किसकी लिखनी रहेगी यही पैसेज जो आपको अनसीन में आया है ये बड़ा सा बीस तीस लाइन का ये जो पैसेज है इसको आपको दस आठ दस लाइन में लिखना है आपको बता देती हूँ समरी राइटिंग को कैसे अटेम्प्ट करते हैं तो देखो आपके ना एग्जाम में पॉइंटर्स दिए हो गए जैसे इधर पे आपको दिख रहा है पॉइंट है लेट राइजर्स प्रॉब्लम्स अर्ली राइजर्स एडवांटेज मतलब जो लोग लेट उठते हैं उन लोग क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं जो लोग जल्दी उठते हैं उन लोग को क्या एडवांटेज मिलता है तो ये चार पॉइंट अपने को मोटे मोटे कवर करने समरी राइटिंग में सबसे पहली चीज आप क्या करोगे हेडलाइन समरी राइटिंग की शुरुआत किससे होगी हेडलाइन से हेडलाइन आपको खुद ही सोच के लिखनी है कुछ भी लिखो राइट right? क्या लिख सकते हो दिमाग लगाओ ने जो ऊपर पैसेज पढ़े उसका अपन क्या हेडलाइन बना सकते थीम के हिसाब से पिक्चर होती है ना स्टोरी उसका एक मूवी का नाम होता है ना वैसी लेट राइजर्स वर्सेस अर्ली राइजर्स ऐसा भी लिख सकते हो आपकी हेडलाइन हो सकती है लेट नाइट आउल वर्सेस नाइट आउल वर्सेस अर्ली बर्ड्स कोई भी बस हेडली हेडलाइन से मतलब है जो कि अपने थीम से मैच होना चाहिए अपनी हेडलाइन हो गई अब गौर से सुनो आप अपने समय राइटिंग की जो आंसर है वो एक ही पैराग्राफ में लिखोगे मान लो मैंने यहां से शुरू करी फिर धनादन धनादन लिखते जाऊंगी लिखते जाऊंगी बिना कोई इसको दो टुकड़े में बांटे या स्प्लिट किए जितना मेरे को लिखना है मैं एक ही पैराग्राफ में लिखते जाऊंगी ये चीज याद रखना आप लोग ठीक है उसको डबल पैराग्राफ में मत कन्वर्ट करना मैं आपको टॉपर की आंसर शीट भी बताऊंगी जिसमें हम देखेंगे कि कैसे आपको आंसर प्रॉपर तरीके से लिखना है डोंट वरी वो भी सेशन बहुत जल्दी आने वाला है तो यहाँ पे देखो अपन क्या करेंगे यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के बोलेंगे मैम यार हमारा ना इतना दिमाग नहीं चलता हमको ऐसा लगता है फटाफट लिख के खत्म करो तो ना क्या करे हम तो आप लोग ना सिंपल सी ट्रिक अपनाना आपको स्टार्टिंग के कुछ सेंटेंस है जैसे सम पीपल कैन जस्ट नेवर अप अर्ली ये एक सेंटेंस आपने लिए दो तीन स्टेटमेंट को गायब करो मतलब इसको मत लिखो आगे का स्टेटमेंट लो थोड़ा देख क्या लेकिन लव वन ये समझो लिए, लिए लेट राइजर फिर आप आगे बढ़े ओनली वेन डिवाइन मतलब कोई भी रैंडम से छह से सात अलग अलग स्टेटमेंट उठाओ और उसको ही कॉपी करके एक पैराग्राफ बना के समरी लिख दो तीन मार्क्स की समरी हेडलाइन पे आपको एक मार्क्स मिल गया इस पे मान लो एग्जाम आपको फुल मार्क्स नहीं दे रहा है कम से कम एक डेढ़ मार्क्स तो देगा यानी तीन में से भाई दो से ढाई मार्क्स मिल गए ना बिना दिमाग लगाए कम से कम कुछ कुछ चीज मतलब टाइम बच गया ना एटलीस्ट आपका आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ा तो ये वो सारे बच्चों के लिए जो थोड़ी इंग्लिश कमजोर है या बोलते ना ऐसा टाइम नहीं है मैम हमको आगे का करना होता है तो आप लोग ऐसा करना शॉर्टकट आधा मार्क्स कटेगा लेकिन टाइम बच जाएगा फटाफट हो जाएगा अब वो सारे बच्चे बोलेगा नहीं भाई हमारे तो पास बहुत बुद्धि है हमारे पास इंग्लिश हमको अच्छी आती है तो आपको तो तो देखो पूरा प्रॉपर तरीके से 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 समराइज करना होगा तो आपको में आराम से दे देगा अब ये हर बच्चा अपने अल, अलग तरीके से समरी बनाएगा समरी में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है कुछ भी एग्जाम्पल्स लिखे होते हैं ना वो सब हटा दो कोई भी चीज ब्रैकेट में लिखी हुई है उसको हटा दो क्योंकि अपने को चीजों को शॉर्ट करना है तीन घंटे की मूवी को तीन मिनट में बोलना है तो आप क्या करोगे जो भी फालतू फालतू के या जल लेस इंपॉर्टेंट पार्ट से उसको हटा दोगे सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज चीजें बोलोगे तो वैसा आपको करना है जो भी करो बस सात से दस लाइन में कवर करो और एक ही पैराग्राफ में करो हेडलाइन जरूरी है ठीक है ये था अपना समरी राइटिंग फिर आता है माइंड मैपिंग माइंड मैपिंग में क्या होगा माइंड मैपिंग में आपको एक टॉपिक दिया होगा यहाँ पे तो लोग ने बॉक्सेस भी बना के दिए बट बोर्ड एग्जाम में ऐसे बॉक्सेस नहीं आएंगे बट चलो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ देखो आपको एक टॉपिक दिया होगा मैं काम करती हूँ आपको एक टॉपर की आंसर शीट दिखाती हूँ ठीक है तो देखो ये आपकी एक साल सीनियर स्टूडेंट है 2023 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था इंग्लिश में 80 में से 76 मार्क्स मिले भाई अपनी स्टूडेंट है डोंट वरी एंड वैसे ऐप में मेरा जो नाज एकेडमी ऐप है उसमें है, ये सारे जो टॉपर्स है ये जूम मीटिंग में लाइव बाकी बच्चों को गाइड करने वाले मतलब एंड में कैसे करना है क्या करना है पूरी ट्रिक स्ट्रैटेजी ये लोग सबने पेपर कैसे लिखे ये सबकी फ़ोटो कॉपी मैंने मंगवाई ताकि आपको आइडिया मिले कि लोग का पेपर कैसे चेक हुआ बोर्ड एग्जाम में तो इसके ऊपर चर्चा करने वाले सत्रह तारीख को होने वाला है तो आप ज्वाइन होना चाहते हो तो हो सकते हो नाज एकेडेमी ऐप में आपको मिल जाएगा मास्टरी बैच जो है ना मास्टरी बैच के अंदर ही सब कुछ होने वाला है हाँ, तो देखो इसने सब कैसे आंसर अटैम करे अपना माइंड मैपिंग ना माइंड मैपिंग देखो इधर हाँ पहले समर देखो समरी राइटिंग कैसे लिखा हुआ ये दिख रहा है आपको हेडलाइन दिख रही है क्या ये हेडलाइन है और ये कॉन्टेंट है एक ही पैराग्राफ कितना दिया एग्जामिनर ने तीन में से तीन मिला है भाई पूरा एनालाइज का बैठ के अब ये है माइंड मैपिंग क्या करना है बीच में हेडलाइन डालनी है वो हेडिंग से निकाल के अपने को चार मेन ब्रांच बनाने फिर सब ब्रांच बनाने ठीक है माइंड मैप को क्या करना आपका जो बुक है उसको हॉरिजोंटल करके बनाना ठीक है जैसे कि ये मेरी ये मेरा मान लो ये आंसर शीट है आप उसको ऐसे ऐसे लिखते हो ना तो माइंड मैप जब बनाओगे ना तो उसको ऐसा टेढ़ा कर देना ऐसा करके ना तो आपको ज्यादा स्पेस मिलेगी और अच्छे से बना पाओगे जैसे इसने भी किए तो अपना क्वेश्चन क्या है अपना क्वेश्चन है माइंड मैप और द यूजेज ऑफ ट्रीज ट्री पेड़ के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं उसके ऊपर माइंड मैप बनाना है ठीक है क्या करोगे पहले आप अपना जो पेपर है उसको कर दोगे पलट वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। बीच में डालना हेडिंग क्या हेडिंग अपने क्वेश्चन की यूजेस ऑफ ट्रीज तो लिख देना यूजेस ऑफ ट्रीज अब इससे आप क्या करोगे चार मेन ब्रांचेस निकालोगे समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूं चार मेन ब्रांचेस तो एक दो तीन चार समझ तो मैंने उसने बादल बादल टाइप बनाए अपन कोई भी गोल बनाओ सर्कल बनाओ कुछ भी बनाओ अब ये जो चार मेन ब्रांच निकली है ना उसमें से अपने को तीन सब ब्रांचेस निकालनी है ठीक है तो ऐसे ही करके आपके पूरा पेज आपको पहले भर देना है कि क्या है कितना कंटेंट है तो ए, देखो ऐसा बन गया कोई भी शेप बनाओ या स्क्वायर बनाओ सर्कल बनाओ बादल बनाओ जो भी बनाना है बनाओ अब फिर इसके अंदर फील करो जैसे कि यूजेज ऑफ ट्रीज में हम मान लो आ, फ्रूट नहीं पहले अपन ईटेबल आइटम में लिख देते हैं ईट एडिबल एडिबल मतलब क्या खाने खान जो चीज अपन खा सकते हैं तो फ्रूट से निकली हुई कौन सी चीज अपन खा सकते हैं जैसे फ्रूट्स हो गया और फ्लावर के भी भाई बहुत सारे उसके जो पट्टे होते हैं उससे हर्ब्स बनते हैं हर्बल चीजें आयुर्वेदिक चीजें फिर अपन यहाँ पे जो दूसरा मेन ब्रांच था उसमें अपन ने समझो लिख दिए हेल्थ से रिलेटेड कोई ऐसी चीज तो उसमें ने लिखे उससे अपने को ऑक्सीजन मिलता है ना शेडो मिलता है रिलैक्सेशन मिलता है फिर आपने ऐसा लिखे कमर्शियल कमर्शियल मतलब कोई भी ऐसी चीज पेड़ की जो आप यूज करके पैसे कमा सकते हो लाइक लकड़ा बेच के उसका ना कितने सारे बनते हैं उससे तो सब फर्नीचर बनते हैं बुक्स बन सकती है उसकी बहुत सारी तो आप पहले ऐसे बनाओ और फिर अंदर आप कॉन्टेंट डालो ठीक है तो आपका हो जाएगा माइंड मैप समझ गया क्या अब ये आपका पोइट्री सेक्शन प्रो सेक्शन थर्टी फोर मार्क्स का फिनिश हो जाएगा उसके बाद स्टार्ट होगा पोइट्री सेक्शन पोयम फोर्टीन मार्क्स की पोयम आने वाली है जिसमें से दस मार्क्स के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हो और चार मार्क्स का एप्रिसिएशन होगा यानी दो पोयम आएगी एक पोयम से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा एक पोयम से एप्रिसिएशन तो चलो देखते हैं अपने को यहाँ पे आया पोयम नंबर थ्री का एक्टिविटी क्वेश्चन पोयम नंबर थ्री तो भाई आपको पता है जैसी करनी वैसी भरनी बहुत उछल रहा था वो राफ द रोवर बाद में बिचारे की बैंड बज गई वही वाली कहानी चले देखते हैं आंसर दो चलो आ जाओ आपका पढ़ा हुआ पोयम आ रहा है एप्रिसिएशन ऑफ लोग नाव चला के बोट चला के आते थे वो एबोद की तारीफ क्यों करते थे उसके पीछे क्या रीजन थे बताओ चलो यस रॉबर्ट साउदी देखो कितने बच्चों को सब राइट पोएट के नाम भी पता है कमोन यस बुधारूज यू सो शेल रीट क्या रीजन थे क्यों मरीनर्स लोग अबाउट ऑफ एबरब्रटॉक की तारीफ करते थे बिकॉज ही हैड प्लेस्ड दैट बेल ऑन द इंच के प्रॉक दैट बॉय इन द स्ट्रॉम इट फ्लोटेड एंड यूज टू स्वांग विच क्रिएट वार्निंग रंग मतलब वार्निंग साइन क्रिएट करती थी तो ये आप यहाँ पे जो तीन लाइन है ना इसको लिखोगे बट एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखना क्योंकि पोयम में लोग राइमिंग स्कीम बनाने के लिए थोड़ा आगे पीछे करके लिखते हैं बट यू हैव टू तो राइट इन अलटेंस जैसे मैंने बोली आप लोग ना ये जब पेपर आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो कितनों तो को ये आसान लग रहा है और कितनों तो, को ऐसा लग रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे तो सब सर के ऊपर से जा रहे है। अगर कोई यहाँ पे सेकंड वाला स्टूडेंट है जिसको ऐसा लग रहा है भाई मेरे तो सब सर के ऊपर से जा रहे हैं मेरा क्या होगा कुछ नहीं भाई बस टिके रहो आज पहला है ना पहला पड़ाव हमेशा टफ होता है चीज याद रखना फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द हार्डेस्ट वन उसके बाद एक फ्लो क्रिएट होता है फ्लो एक गाड़ी होती है ना जो रुकी हुई होती है अटकी हुई होती है तो उसको देखो मतलब भाई पुश करो पीछे से धक्का मारो तो बस धक्का मारने का जो प्रोसेस होता है ना वो पहला प्रोसेस सबसे टफ होता है जैसी वो धक्का लग जाता है फिर तो देखो ना गाड़ी खुद आगे आगे बढ़ने लग जाती है ऑटोमेटिक इंजन चल जाता है वही है वही आपके साथ बस हो रहा है फर्स्ट स्टेप है तो थोड़ा टफ लग रहा होगा अब यही चीज कल हम करेंगे तो आप बोल गए हाँ यार ये सब तो मैंने कल पढ़ा था अब जो नहीं पढ़ा उस पर फिर तीसरा दिन आएगा चौथा दिन ऐसे करें पांचवा दिन आप लोग बहुत से बच्चों को इजी लग रहा है डिस्क्राइबॉक इन द ओन वर्ड एवॉर्थ ऑफ एवरव की क्वालिटीज बतानी है भाई एकदम सिंपल अपन ओन वर्ड से लिख सकते हैं कि देखो यहाँ पे है नहीं यहाँ पैसेज में एक बार ना आप लोग जरा क्वेश्चन को रीड कर लेना सब चीज आपको पैसेज से नहीं मिलेगी यहाँ पे क्या बोल रहा है इन योर ओन वर्ड्स मतलब खुद के शब्दों से लिखो यानी पैसेज से नहीं मिलने वाला ये ठीक है तो पता चला आप रीड ही नहीं करोगे सब चीज पैसेज से ढूंढोगे तो भी ढूंढते ही रह जाओ तो पैसेज में है ही नहीं वैसे भी मिलेगा ही नहीं यहाँ से तो देखो भाई वो बंदा अच्छा था इसलिए तो उसने लोगों की जान बचाने के लिए वो बेल लगाया तो तुम लिख दे के भाई वो बंदा काइंड था ही वॉज जेनरस

अब आपको पता भी होना अब जो बच्चे को पता ही नहीं भाई है, है तो समझे तो नहीं है तो पता चला उसके सब क्वालिटी लिख दिए अच्छा याद रखना सर, राफ विलन था। तो उसके बारे में आया तो आपको नेगेटिव चीज लिखनी है पॉजिटिव चीज लिखनी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राइट एंड अकाउंट ऑफ समथिंग विच यू डिड आउट ऑफ कंसर्न फॉर अदर्स ओके तो ये ए थ्री क्वेश्चन अपना फिगर ऑफ सॉरी पोयम का पर्सनल रिस्पॉन्स होता है है कि भाई एक ऐसा इंसिडेंट बताओ जहां पे आपने कुछ ऐसा किए किसी दूसरे के लिए अपने लिए नहीं कुछ ऐसा काम किसी दूसरे की मदद के लिए किया जिसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं था तो दिस इज अ प्योर पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन सब स्टूडेंट को मार्क्स मिलेगा कुछ भी अटेम्प्ट करो कुछ भी लिखो अंदर जस्ट गिव एनी इंसिडेंट कोई भी इंसिडेंट बता दो राइट right? आपने बता दिए कि आ, मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगी थी बट मैंने एक गरीब को देखा और मेरा टिफिन बॉक्स उसे दे दिया क्योंकि मैं घर में जाके तो वैसे भी खा मतलब मम्मी को बोलता तो खाना बना के दे देती बट वो शायद वो गरीब को नहीं मिल पाता तो यहाँ पे आपने क्या किया किसी और के लिए काम की खुद सेल्फलेस हो तो ऐसे को, कोई भी रैंडम सा इंसिडेंट बना देना कौन सा एग्जामिनर देखने आ रहे हैं आपने वो किए नहीं किए है हाँ ना कुछ भी लिख दो समझा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना होगा ना ए पर्सनल रिस्पॉन्स है तो कोशिश यार कोई ऐसा प्रोअप डालू जो मेरी थीम से मैच हो रहा है दिमाग में प्यारा सा कोट आया वी राइज वी शुड राइज बाय अदर्स Rise by इसका मतलब क्या हमको उठना चाहिए बट दूसरों को साथ लेकर समझे क्या ऐसा इसका मतलब होता है कौन बताएगा इस सेंटेंस का फिगर ऑफ स्पीच क्या है और दो मार्क्स के लिए तो जरा अच्छे से ढंग से लिखना है अपने को यस yes, इसके दो फिगर ऑफ स्पीच बन सकते हैं पहला है सिमिली और दूसरा है परसोनिफिकेशन तो देखो कोई बच्चा सिमिल लिखेगा तो आपको भी मार्क्स मिलेगा जो बच्चा पर लिखेगा उसको भी मार्क्स मिलेगा अब एक्सप्लेन भी करना है क्योंकि दो मार्क्स का क्वेश्चन है तो सिमिल लिखने पर आपको एक मार्क्स मिल गया एक्सप्लेन कैसे करोगे द शिप वॉज एज स्टिल एज शी स्टिल होने की क्वालिटी दे रहे ना The ship is directly compared with stillness used by the poet for greater poetic effect.

पोएटिक इफेक्ट तो देखो मैं बीच बीच में हर क्वेश्चन में बहुत सी चीजें बताते जा रहा हूं जो आप नोट करो यार प्लीज चलो आगे बढ़ते पोयम वाला क्वेश्चन आ गया है है तो यहां पे अभी अपने को बन जाना कवि और थोड़ा दिमाग लगाना है एक थीम दिया है अ सॉन्ग इन द एयर अरे हवा में एक गाना ये थीम है बस एक इसके ऊपर अपने को चार लाइन की पोयम कंपोज करनी देखो को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है कि आपको राइमिंग स्कीम का इस्तेमाल करना है या फ्री वर्ड्स में लिखना है तो आपकी चॉइस है और यहाँ पे अपने को थोड़ी हेल्प भी कर दिया है कि आप अपने पोयम की शुरुआत ऐसा कर सकते हो द लीफ रसल जेंटली चलो देखते हैं चार लाइन की पोयम बना दो जिसका थीम होना चाहिए अ सॉन्ग इन द एयर वाह वाह कौन बताएगा चलो कमेंट में देखती हूँ अपने कितने यहाँ पे कवि और कविता है बस हो गया एप्रिसिएशन राइटिंग स्किल तो फटाफट कर लेगा नॉवल भी हो जाएगा अपना फटाफट इसका आंसर दे दो बस उस लाइन का आपने यूज नहीं किए तो कोई इश्यू नहीं है क्योंकि पे क्या बोल रहा है कि आप इस लाइन का इस्तेमाल कर सकते हो चॉइस है आपकी चॉइस करना चाहो तो नहीं करना चाहते हो तो आप अपना कोई दूसरा लाइन भी लगा सकते हो वेरी फ्रेंडली रहीम खान बुशेस डांसेस विद द एयर द लीफ द अरे आगे बढ़ गया ग्रेट ग्रेट क्या बात है देखो इतने सारे बच्चे कमेंट में आंसर दे रहे हो उसमें से कोई एक कवि ले ले पोयम ले लेना मतलब सॉन्ग इन द एयर एकदम हल्की फुल्की नेचर से रिलेटेड कोई पोयम इसको पढ़ के बस ऐसा लगे कि भाई नेचर की बात हो रही है है लीफ रसल जेंटली इन द ओपन एयर अ सॉन्ग इन द ब्रीज लाइट एंड फेयर nature's tune simple and real a melody that brings joy everywhere ठीक है ऐसा कोई भी रैंडम और पोयम ज्यादातर अच्छी कब लगती है जब वो राइमिंग स्कीम में बनी हो तो कोशिश ना राइमिंग स्कीम में बना दो देखो अब नेक्स्ट अपना है एप्रिसिएशन एप्रिसिएशन अब कैसे लिखना है पहले तो देखो कौन सी पोयम पे लिखना है पोयम नंबर 1 है अ फुट एंड लाइट हार्टेड अब गड़बड़ मत करना बहुत सारे बच्चे पूछा किस पे लिखते किसी और पे ऐसा नहीं करना पोएम को आपको एप्रिसिएशन को कैसे लिखना है ये देखो पहले हेडलाइन डालना देन पैराग्राफ बना बना के आप प्रॉपर तरीके से लिख सकते हो जैसे आपको इधर पे दिख रहा है तो मतलब इसको ऐसा वन नंबर नंबर में मत देना कि पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू ऐसा नहीं पैराग्राफ बना के आप लिख सकते हो कोई इशू नहीं है तो एप्रिसिएशन के नोट्स तो मैंने आपको बहुत सालों पहले ही दे चुकी हूँ अभी भी दे चुकी हूँ भाई मैं यूएसपी चला रही थी बीस दिन की यूएसपी चली कितने सारे बच्चों ने प्रॉपर एक एक दिन बैठ बैठ के क्वेश्चन सॉल्व किए समझे तो वो व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ के आप वो सारी नोट्स डाउनलोड करके अभी भी पढ़ सकते हो व्हाट्सएप चैनल पे अवेलेबल है सारी की सारी नोट्स चलो आते हैं अपन राइटिंग स्किल पे आपको पता ही है बारह राइटिंग स्किल के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो गए कितने टोटल ट्वेल्व बट अटेम्प्ट सिर्फ चार करना है तो पहला है अपना ड्राफ्टिंग वर्चुअल क्या क्वेश्चन पूछे से अब भी आंसर देते अपन चुटकियों में देते आ जाओ रीड द फॉलोइंग कन्वर्जेशन बिटवीन कनिका एंड मिसेस पंडित ओके तो ये जो कॉन्वर्जेशन जो बात हो रही है नीचे वो किसके बीच में हो रही है कनिका नाम की एक बंदी है और एक मिसेस पंडित नाम की एक लेडी है उनके बीच में हो रही है मिसेस पंडित टू गो आउट ऑन एन अर्जेंट दिस ओके 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 तो पंडित को कहीं बाहर जाना है तो इसलिए वो कनिका का दिया हुआ मैसेज अपनी डॉटर को लिखने वाली है तो कौन है तीन लोग कौन है तीन लोग हमेशा बोलियो पहले बना लो तो कनिका है जो मैसेज देने वाली है किसको देना चाहती है वो मैसेज पंडित की बेटी लेना को लेकिन लेना तो है नहीं तो वो मैसेज उनकी मम्मी यानी लेना की मम्मी पंडित को दे देती है वो तो बोलती है कि भाई ये मैसेज अपनी मतलब आपकी डॉक्टर लेना तक पहुंचा देना तो इस क्वेश्चन में अपने बीच का बंधु कौन है मिसेस पंडित जो कि कनिका का हुआ दि... कनिका का दिया हुआ मैसेज अपनी बेटी लेना को पहुंचाएगी सिंपल सा अब क्या बात है चलो देखते कनिका कॉल करती है बोलती है क्या मैं बात कर रही हूँ लेना से तो पंडित बोलती है यस yes, बताओ आप कौन बोल रहे हो कनिका बोलती है कि भाई मैं कनिका हूँ लेना की फ्रेंड तो मिस पंडित बोलती है कि uh, वैसे हाय कनिका लेना अभी तो घर पे नहीं है कनिका तो बोलती है दैट्स ऑल राइट कुड यू टेल हर दैट देयर इज अ चेंज इन द वेन्यू ऑफ द पेंटिंग कॉम्पिटिशन नाउ इट इज इन दे एन एम सेंटर ओके कोई बात नहीं आंटी आप लेना को एक मैसेज बस पहुंचा दोगे कि जो हमारा पेंटिंग कॉम्पिटिशन होने वाला था उसकी जगह बदल गई है वो अब जे एन एम सेंटर में होने वाला है तो मिसेज uh, पंडित बोलती है क्या लेना को ये जे एन एम सेंटर पता है किधर है तो कर्णिका बोलती है शायद नहीं पता है मैं आपको एड्रेस बता देती हूँ ठीक है और फिर वो एड्रेस बताती है जे एन एम का कि वो मार्क, खान मार्केट के पास है वगैरह वगैरह पंडित आई सी आई एम अबाउट टू गो मैं बाहर कहीं जा रही हूँ इसलिए मैं ये मैसेज लेना को पहुंचा दूंगी थैंक यू माई प्लेजर ठीक है ये कॉन्वर्जेशन हुआ है यानी आप समझ गए हो कनिका के क्या, क्या मैसेज है कनिका का ये सिंपल सा उसको लेना को ये मैसेज देना है कि देख बहन जो पेंटिंग कंपटीशन होने वाला था वो अब जे एन एम में होने वाला है जो कि कौन सा किधर पे है खान मार्केट में है डायमंड पार्क के सिटी में ठीक है बस इतना सा मैसेज कौन पहुंचाएगा पंडित अपनी बेटी को चलो भाई बनाओ कम ऑन एवरी वन कैसे लिखोगे मैं पे लिख के बता रही हूँ आप लोगों को वैसे एक बार दिखा देती हूँ देखो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज आपको कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए दिख रहा है हेडलाइन में आप कैपिटल लेटर में, में मैसेज लिखना डेट टाइम लिखना क्योंकि क्वेश्चन में अपना डेट टाइम नहीं रहा तो अपने अपने मन से कोई भी डेट टाइम डाल देंगे ठीक है जिसको मैसेज लिखा जा रहा है उसका नाम आएगा और जो मैसेज लिख रहा है उसका नाम लास्ट में आएगा और जो मैसेज लिख रहे हैं हम मतलब जो मैसेज देने दे रहे हैं वो बीच में हम लिख दे ये फॉर्मेट है समझ गया चलो अभी आगे बढ़ते हैं और अपन बनाते हैं कौन है इसमें पर लिख देंगे मैसेज डेट मान लो अपन आज की डाल देते थर्टीन फेब 2024 टाइम मान लो 11 बजे का डाल दिए सुबह के मैसेज किसको लिखा जा रहा है लेना को ना तो लेना का नाम आएगा ठीक है फिर यहाँ पे अपन अपना पूरा कंटेंट लिखेंगे और मैसेज कौन लिख रहा है लेना की मम्मी तो यहाँ पे आप मदर लिखोगे तो भी चलेगा या मिसेस पंडित लिख दो कोई इशू नहीं है ठीक है मॉम लिखोगे तो भी फाइन इट्स ओके क्या लिखेंगे शुरुआत कैसे करेंगे मम्मी अपनी बेटी को लिख रही है ना कि तुम्हारी फ्रेंड कनिका का कॉल आया था उसने इन्फॉर्म करी कि

नेक्स्ट क्या है इंटरव्यू राइटिंग अब हाँ एक और चीज़ ये क्वेश्चन पेपर में ऐसा इंटरव्यू आया है बट ऐसे आता नहीं है यहाँ पे क्या है कि भाई आठ से दस क्वेश्चन पूछो लोकल कॉपरेटर को आ, कि आपके एरिया में जो गंदगी मची हुई उस पर मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते डोंट वरी आपको ना ज्यादातर सक्सेसफुल सक, सक, लोग जो होते हैं ना सक्सेसफुल लोग वो लोग से पूछताछ करने का इंटरव्यू पूछा जाता है एक सक्सेसफुल कॉमेडियन है सक्सेसफुल एक्टर है कोई टॉपर है कोई इंजीनियर है डॉक्टर है सोशल वर्कर है टीचर है तो आ, ये सारे लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए पूछता है तो मैंने आपको अपनी इंटरव्यू की वन शॉट सीरीज में पूरा बना के दे दी आंसर की उसको रट लो कैसा भी इंटरव्यू क्वेश्चन आया उसको चिपका के आ जाना तो वीडियो आप लोग मेरी देख लेना स्पीच राइटिंग आया है किस पे स्पीच राइटिंग अपने को आया है राइट अबाउट ऑन द चाइल्ड लेबर ठीक है जो भी लो बच्चे चौदह साल के कम उम्र के होते हैं और उनसे काम कराया जाता है वो भी उनके पढ़ाई को छुड़वा कर तो ये बहुत गैरकानूनी चीज़ है और अपने इंडिया में भारी मात्रा में है तो इसके ऊपर अपने को स्पीच लिखना है कैसे लिखोगे स्पीच हेडलाइन से शुरू करोगे कोर्स राइटिंग स्किल्स की हर एक टॉपिक की आप शुरुआत करोगे प्रॉपर हेडलाइन देकर तो अपनी स्पीच राइटिंग की क्या हेडलाइन रहेगी चाइल्ड लेबर क्या शुरुआत करोगे याद करो स्पीच राइटिंग की वीडियो में क्या पढ़ाई थी शुरुआत स्पीच राइटिंग की कैसे होगी गुड मॉर्निंग डिस्टिंग बिफोर यू ऑल टू स्पीक ऑन द टॉपिक चाइल्ड लेबर यह आपका फर्स्ट पैराग्राफ रहेगा राइट right? देखो मैंने जो आपको पढ़ाई थी वही चीज पिछले साल के बच्चों को पढ़ाई थी और यही लिख के बच्चे टॉप कर रहे नाइनटी मार्क्स आया है में से 96 सिक्स और अस्सी मार्क्स के पेपर में से सेवेंटी होगा राइट? तो समझो बात को आप लोग भी कर सकते हो सिर्फ प्रैक्टिस की नीड है आपको बैठो और पेपर में जो भी बताती हूँ ना उसको लिखो ठीक है तो सिंपल सा है स्पीच राइटिंग चाइल्ड लेबर के बारे में जो भी आपको लिखना है लिख सकते हो कि कितना बुरा होता है चाइल्ड लेबर करना वो तो बच्चे को कैसा महसूस होता होगा उसकी पढ़ाई लिखाई दूर हो जाती है तो आगे जा उसको अच्छी फिर कहीं जॉब भी नहीं मिलेगी पूरी ज़िंदगी भर फिर उसकी फैमिली पर भी प्रेशर मतलब तो वही कमा नहीं पा रहा है तो उसकी जो फैमिली बनेगी वो भी फिर गरीबी में रहेगी फिर एंडिंग हमेशा अपन पॉजिटिव चीज़ से करेंगे सोल्यूशन देकर कि हम कैसे इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं क्या बोली थी अवेयरनेस गवर्नमेंट को स्ट्रिक एक्शन लेना चाहिए एनजीओज को आगे बढ़ना चाहिए लोकल पब्लिक को कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए ये कुछ चार से पाँच बेसिक सोल्यूशन होते हैं जो अपन हर चीज में चिपका सकते हैं ठीक है जैसे अपन बोलते हैं ना कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं अपन बोलते भाई गवर्नमेंट को करना चाहिए लगा देने ठीक है चलो आगे बढ़ते फिर है अपना रिव्यू राइटिंग जो तो आप एक्सपर्ट हो फिल्म पे कोई भी फिल्म पे आप अपना रिव्यू राइटिंग घर से पढ़ के जाना और उसके ऊपर लिख देना ठीक है फिर अपना फाइनली स्टार्ट होगा नॉवल चलो देखते हैं नॉवल चलो थक गए क्या आप लोग अपन ना एक मिनट का ब्रेक लेते हैं ठीक है लेट अस हैव अ वन मिनट ब्रेक एंड लेट मी चेक कमेंट क्या चल रहा है भाई कमेंट सेक्शन में हम्म कैसी चल रही है पढ़ाई बाकी सब सब्जेक्ट हो रहे हैं कैसा महसूस हो रहा है सात दिन बचे बट बोर्ड एग्जाम को डिस्ट्रैक्शन में तो नहीं फंसे हो बताओ जरा क्या चीज के लिए आपको मेरी और मदद की जरूरत पड़ेगी अच्छा जाएगा पेपर में तो टॉप मारेंगे हम क्या बात है यार यही कॉन्फिडेंस तो चाहिए अपने को <स्थाथ> क्या बात है पढ़ रही हूँ मैं सबके कमेंट देख रही हूँ एक आइडिया मेरे को मिल रहा है ना भाई इस साल के बच्चों क्या क्या सीन चल रहा है ग्रेट ग्रेट क्या बात है आप लोग जुड़ जाओ पहला तो वहां पे मैं सब कुछ अपडेट देते रहती हूँ ठीक है सारा का सारा जो भी लिंक आता है सेशन का इसका उसका नोट्स वगैरह सब व्हाट्सअप चैनल पे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ो ऊपर के मैसेज आप देख के खुद ही समझ जाओगे कि कितनी सारी चीजें ऑलरेडी भेज चुकी हूँ ऑलमोस्ट सब चैप्टर का नोट्स पीवाईक्यू, प्रैक्टिस पेपर एप्रिसिएशन सब भेज जा हुआ है तो आपको ऊपर जाके सर्च करना पड़ेगा क्योंकि तो अगर आप अभी लेट ज्वाइन हो रहे हो मैंटी क्विज चाहिए मैं मजा मजा <laughs> चलो ठीक है मैंटी क्विज भी लाना पड़ेगा ग्रेट 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 ओके कोई बात नहीं यार इट्स तो के अपन मिल के इस साल का बोर्ड पेपर फोड़ने वाले ठीक है कोई बात नहीं अभी आ गए ना लेके जाएंगे ठीक है आए है तो लेके तो जाएंगे खाली हाथ तो नहीं जाएंगे है ना हम्म द कैरेक्ट हाँ देखो नॉवल का क्वेश्चन नंबर वन जो होगा यानी नॉवेल नंबर वन से जो भी क्वेश्चन आएगा वो ऑब्जेक्टिव बेज होगा इतना पता है ना आपको आ जाओ तो देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिख रहा है द कैरेक्टर्स इन द डैश नॉवल इंटरेक्ट विद अदर कैरेक्टर्स अंडर गो पॉसिबल एंड एवरी डे एक्सपीरियंस इसका आंसर क्या है रियलिस्टिक है ये यूथोपियन बताओ जल्दी पूरे साल भर की जो पढ़ाई अपन ने किए मैंने एक्सप्लेनेटरी पार्ट पूरा आपको पढ़ा दी हूँ अब आपकी नॉलेज चेकिंग की बारी है इसका आंसर है रियलिस्टिक ठीक है अ डैश नॉवल नेरेट द एडवेंचर ऑफ द प्रोटेगनिस्ट हु इज इस सेंट्री यार भाई इस सेंट्री का आया समझ जाना ये पिकारियस की बात हो रही पिकारो विलन द डैश नोवेल इज अबाउट एन इमेजिनरी कैरेक्टर भाई ऐसी

कैरेक्टर बिहेवियर तो नहीं बताता है हाँ मतलब बताता है उसके अलावा बहुत कुछ बताता है कैरेक्टर डिस्क्राइब बिहेवियर ऑफ मेरे को भी डाउट हो रहा है आप लोग को क्या लग रहा है इसका आंसर क्या हो सकता है आगे बढ़ते द मेन कैरेक्टर इन स्टोरी इज रिफर्ड टू एस कैरेक्टर को प्रोटेगनिस्ट बोलते हैं ये नॉवेल कब से आ गया है तो ये फॉल्स है द स्ट्रगल बिटवीन द अपोजिट फोर्सेस इन द स्टोरी इज कॉल्ड एंटागोनिजम अपोजिट फोर्सेस इन द स्टोरी इसको तो अपन कॉन्फ्लिक्ट बोलते थे थीम इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द नॉवल यू बिल्कुल आगे बढ़ते हैं अब नॉवल नंबर टू नॉवल नंबर थ्री एंड नॉवल नंबर फोर से जो भी क्वेश्चन आएंगे दो दो मार्क्स के होंगे थ्योरी थियरी होंगे पैसेज वैसेज अवेलेबल नहीं होगा तो पहले कितने लेंथ में लिखना है वो पहले आप देखो ये देखो ये रहा अपना ये देखो ये आपके बोर्ड की ऐसी आंसर शीट होती है ना इतनी बड़ी तो आप देखो एक पेज में दो आंसर आपके आ जाने चाहिए क्योंकि दो मार्क्स तो बड़ा चढ़ा के टाइम वेस्ट करो ही मत काम की बात लिखो दस से बारह लाइन में लिख के खत्म करो ठीक है दो मार्क्स आराम से मिले देख लो भाई उसको मिल रहा है तो भाई आपको क्यों नहीं मिल सकता पहले लेंथ में बता रहे बच्चों तो को समझ में नहीं आता ना कितना लिखे कैसे लिखे पॉइंट में लिखे क्या करे कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा पैराग्राफ में लिखो स्टोरी की तरह ठीक है तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई बताओ कि जो फरमान था उसने अपने ऑडियंस का अटेंशन कैसे किया क्या था इसका आंसर यस क्योंकि वो लेके आया था याद है वो दो छोटे बच्चों को बोला कि भाई लेके आओ वो स्केलेटन वगैरह वगैरह फिर उसने बहुत अच्छी हाई स्पीच दिया अच्छे एटीट्यूड के साथ दिया अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ दिया बहुत प्यारा कंक्लूजन उसने दिया कि हर इंसान का फाउंडेशन सेम होता है बस उसकी ट्रीमिंग अलग होती है एंड वी शुड नॉट डू एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट क्रीड जेंडर लैंग्वेज रिलीजन एक्स्ट्रा ये इसका आंसर रहेगा डिस्क्राइब इन ब्रीफ द परपस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग जो ग्रीनस्लेट स्कूल में ये ईआर ब्रेथवर्ट की जो नॉवेल है उसकी बात हो रही है क्यों रखा गया था हाफ ईयरली रिपोर्ट

फिलिप फॉक जेल में बैठा था और उसके बाद भी वो गुस्सा नहीं कर रहा था रो नहीं रहा था टेंशन नहीं दिख रही थी, थी उसकी फेस में यानी सिचुएशन को मारने को को की कोशिश कर रहा था वो यहाँ वहाँ अपने आपको ब्लेम कर रहा था चिल्ला रहा था रो रहा था तो ये सारे रीजन आपको देने हैं और ये सब किधर हुआ था ये सब आपको इंसिडेंट्स बताने हैं यार आप लोग लिख लोगे नयानों को टेंशन हो जाता है आप लोग लिख लोगे कुछ भी आप लोग लिखोगे तो उसके रिफरेंस देना है कि भाई वो लोग आ रहे हैं हुए थे लिवरपूल में लिवरपूल वाज वॉज लाइक सिक्स आवर्स बिफोर लंडन ऑफ रिफॉर्म क्लब थोड़े रिफरेंस दे देके ताकि आपके आंसर अच्छा लगे ठीक है एल्यू स्ट्रेट विथ द टाइम थीम ऑफ दी एक्सट्रेक्ट अपने जो नोवेल नंबर थ्री है अराउंड द वर्ल्ड इन एटी डेज इसमें जो वक्त है ये इम्पोर्टेंट थीम क्यों है क्योंकि भाई उसी के इर्द गिर्द तो पूरी स्टोरी चल रही थी फिलिप फॉक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था वक्त क्योंकि उसको वक्त से पहले रिफॉर्म क्लब पहुंचना था भाई बीस हजार पाउंड की शर्त लगा दिया था दोस्तों के साथ चौड़ में राइट right? तो वो पूरी आपको स्टोरी बतानी है कि कैसे फिलिप्स फॉक के लिए वक्त इंपॉर्टेंट था और वो अगर उसमें आउट हो जाता तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती वो कंगाल हो जाता उसको ब्रोक हो जाता मतलब एकदम बोलते ना कंगाल पैसा खत्म वैसा चलो लास्ट नॉवल क्या है डॉक्टर वॉटसन नैरेटर इज वन ऑफ द मेजर कैरेक्टर इन द नावल तो अपना जो वॉटसन है नॉवल नंबर फोर द साइन ऑफ फोर की जो स्टोरी है इसमें शेरलॉक होम का जो दोस्त था डॉक्टर वॉटसन इसका कैरेक्टर स्केच अपने को बताना है सिंपल सा अपन मतलब Uh, क्या करेंगे पहले तो बताएंगे कि ही वॉज दार्टनर ऑफ शेरलॉक होम्स वो उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था केसेस सॉल्व करने में मैरी से उसको प्यार हो गया था एंड में भाई परपोज भी किया मैरी के केस में भी डॉक्टर वॉटसन ने बहुत ज्यादा हेल्प किया क्या करने में अरोरा बोट को फाइंड करने में जहां पे कौन था जॉनथन स्मॉल था समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ कि सबसे सब सर, सर के ऊपर से जा रहा है अगर सर के ऊपर से जा रहा है तो भाई मेरी वन शॉर्ट सीरीज देख लो एक से डेढ़ घंटे पूरी नॉवल समझा हूँ हिंदी भाषा में वही चीज मैं पे रिपीट कर रही हूँ डिस्क्राइब द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रास्ट इन द इनिशियल रिएक्शन ऑफ वॉटसन एंड होम्स टूवर्ड्स मैरी क्या क्वेश्चन है देखो क्वेश्चन समझोगे नहीं तो लिखोगे क्या लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि इनिशियल इनिशियल मतलब सबसे पहला रिएक्शन वॉटसन और शेरलॉक होम्स का क्या था जब वो लोग ने मैरी का केस सुने शेरलॉक होम्स का क्या रिएक्शन था उसने बोला था भाई ये तो असली पॉल है ये तो असली ज्वेलरी है नकली नहीं है वॉटसन का पहला रिएक्शन तो मैरी लड़की है <laughs> मजाक से बोल रही हूँ वॉटसन का भी ऐसी रिएक्शन था वॉज लाइक भाई कौन है इतना अमीर दादा जो एक लड़की को हर साल इतना कीमती पल भेज रहा है तो दे वेर क्यूरियस एंड दे वेर रेडी टू अकम्पनाई मैरी है ना मैरी को वो कोई बता रहा था कि भाई मेरे से मिलने आओ तो वॉटसन और शेलॉक होम्स पहली बार में रेडी हो गए कि भाई हम आएंगे आपके साथ पार्टनर बनके चलो तो ये सब दो मार्क्स का है ना तो दो रीजन भी आप दे दोगे अलग-अलग यू विल गेट फुल मार्क्स डोंट वरी जस्ट स्पेलिंग एरर मत करना ग्रामेटिकल एरर मत करना मिल जाएगा अगर मान लो आपने चीज सही लिखो लेकिन स्पेलिंग एरर है तो आधे मार्क्स कटेगे बस आज का आई होप आपको समझ में आ गया होगा कितना टाइम लगा अपने को 6:30 बजे स्टार्ट किया 7:30 8:00 ऑलमोस्ट देखो 2 घंटे होने आए ठीक है तो अब यही चीज आप जब लिख के करोगे तो आपको तीन घंटे लगेंगे अभी अपन ने इसको तो ऑलमोस्ट ओरली सॉल्व किए मतलब लिख लिख के भी किए थोड़ा टाइम इसलिए भी लगा है ना तो आई कैसा लगा मेरे को बताना थोड़ा आपको एक आइडिया मिला कि हाँ भाई ऐसे ऐसे फ्लो में, में मेरा क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड एग्जाम में देखो फॉर्मेट तो सेम होने वाला है ना एज इट इज सिर्फ क्वेश्चन अदला बदली हो गए ये पैसेज की जगह कोई दूसरा पैसेज होगा ग्रामर की जगह कोई दूसरे क्वेश्चन हो गए फॉर्मेट तो सेम होने वाला है पूरा का पूरा ट्रू फॉल्स आएगा सेम एप्रिसिएशन सेम होगा कंपोज़ द पोयम फिगर ऑफ स्पीच राइट सेम होने आई होप यू लाइक द सेशन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो आज पहला डे था अभी दो तीन चार पांच चार पड़ाव और बाकी है जो भी बच्चे मेरे साथ ये चार पड़ाव पार कर ले गए आपका इंग्लिश पेपर आप फोड़ के आने वाले हो एंड एटीन फेबरी को संडे है महामैराथन इंग्लिश का करने वाले है उसका डेट टाइम मतलब टाइम जो है रिवील मैं जल्दी करने वाली हूँ तो व्हाट्सअप चैनल पे जुड़ जाओ एंड जैसे मैंने आपको बताई सत्रह फ़रवरी को मास्टरी बैच में टॉपर्स के साथ जूम मीटिंग सेशन होने वाले हैं तो आप साइंस के स्टूडेंट हो तो भाई साइंस के टॉपर भी आने वाला है आप साइंस के बाकी सारे सब्जेक्ट के बारे में भी पूछ सकते हो कॉमर्स के हो तो कॉमर्स का भी टॉपर आने वाला है

नाइन्टी नाइन रुपीज में आपको सब कुछ मिल जाएगा ठीक है ग्रामर की नोट्स भी मिल जाएगी इंग्लिश मास्टरी बुक का पीडीएफ वर्जन भी मिल जाएगा टॉपर के सेशंस भी मिल जाएंगे सैम्पल पेपर भी मिल जाएंगे पी सीरीज़ भी मिल जाएगी सॉल्व पेपर भी मिल जाएंगे तो नाज एकेडमी आप डिस्क्रिप्शन से दी गई लिंक से डाउनलोड करो एंड जुड़ जाओ ठीक है अभी हम मिलेंगे कल शाम छः बजे सैंपल पेपर नंबर टू को सॉल्व करेंगे ओके चलो इसके साथ बाय एवरीवन टेक केयर लव यू ऑल सेशन कैसा लगा आप प्लीज कमेंट करके बता देना इस साल के बच्चों को जरा मैं देखना चाहती हूँ कमेंट में आप लोग कमेंट करते हो तो आपके नाम डीपी दिख के मेरे को पता चलता है अरे भाई ये मेरे से पढ़ा है ये स्टूडेंट <laughs> चलो बाय बाय